सॉफ्टवेयर है हमारा इलस्ट्रेटर, टॉपिक नंबर 14 है। टॉपिक का नाम है उर्दू फॉर्मेटिंग। उर्दू फॉर्मेटिंग में आज हम करेंगे कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू टेक्स्ट किस तरह राइट कर सकते हैं। सबसे पहले उर्दू टेक्स्ट राइट करने के लिए हमें चाहिए होगा इन पेज। आप इन पेज ओपन करेंगे, ओके करेंगे, देन फाइल के अंदर जाके आपने सेलेक्ट करना है न्यू पेज। न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ आपने टेक्स्ट की साइज इंक्रीज रखनी है 72, और यहाँ हम टेक्स्ट राइट करेंगे। कीबोर्ड अगर आपका सेट नहीं तो हम आपको कीबोर्ड भी सेट करना बता सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर जाएंगे आप, एडिट के अंदर जाएंगे। एडिट में जाकर आपने क्लिक करना है प्रीफ्रेंस में, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप कीबोर्ड प्रीफ्रेंस। कीबोर्ड प्रीफ्रेंस पे क्लिक करके आपने कीबोर्ड का जो बोर्ड है, कीबोर्ड है, वो आपने सेट करना है फॉर्मेटिंग, देन ओके कर देंगे। अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिलता इसमें इन पेज के अंदर तो आप इसका व्यू भी चेक कर सकते हैं। देखिए आपके पास व्यू आ रहा है कीबोर्ड का, उर्दू और इंग्लिश ऊपर लिखा रहा है, नीचे सिर्फ आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। क्लोज करेंगे, ओके कर दिया आपने। अब हम यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने पिक टूल लिया। आप इसके फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये आपका फॉन्ट स्टाइल देखिए चेंज हो रहा है। फॉन्ट स्टाइल हमने चेंज किया। अब हम पिक टूल लेंगे और पेज की आउटलाइन पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। पेज की आउटलाइन पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने से आपका ये टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम कंट्रोल सी से इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब आप ओपन करेंगे इलस्ट्रेटर, ये आपके पास इलस्ट्रेटर आ गया। आपने इसको ओपन किया एंड कंट्रोल वी से हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद अब आपने ओपन करना है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर हम ओपन करेंगे यहाँ पर। ये आपके पास इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है। फाइल के अंदर जाके आपने सेलेक्ट करना है न्यू पेज। न्यू पेज पे आपने क्लिक किया। अब जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था इसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। कंट्रोल वी से हम क्या कर देंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपने इस पे कलर वगैरह अप्लाई करने, डिफरेंट फैक्ट अप्लाई करने, तो किस तरह करेंगे हम। टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, विंडो पे जाके ओपन करेंगे यहाँ से हम ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल पे जाकर आपने कोई भी आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेक्सचर भी आ रहा है आपके पास, आप यहाँ से टेक्सचर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहें। देखिए ये आपका इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब आपको और भी इफेक्ट चाहिए तो आप विंडो के अंदर जाएंगे, सिंबल लाइब्रेरीज पे जाकर ग्राफिक स्टाइल पे जाकर आपने इसमें और भी इफेक्ट्स हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी हैं, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर ये देखिए हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया। आप 3D इफेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ से, ये आपके पास 3D इफेक्ट आ चुके हैं। देखिए इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं आपके पास, कोई भी आपने इफेक्ट लिया इस तरह, ये आपके पास देखिए इफेक्ट आ चुके हैं। ये हो गया टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट, जिसपे हमने उर्दू टेक्स्ट बनाना सीखा है किस पे, इलस्ट्रेटर पर।